एवरीवन, होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज भी कहीं जाने के लिए हम रेडी हुए हैं। वैसे तो अभी हमने मम्मी पापा को एक जगह पर ड्रॉप किया है, उनको कहीं जाना था, बस अब हम इसी रोड को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा कुछ खास जगह है नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं, जस्ट वो थोड़ी सी प्रीटी एंड प्लीजेंट जगह है जहाँ पर हम जा रहे हैं। वैसे तो हम पहले भी गए हैं, आई होप सो हम वहीं जा रहे हैं। बाकी मेरे को भी पूरा आइडिया नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, बाकी मैं आपको वहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ कि कैसी जगह है और हम कहाँ जा रहे हैं। खुश हूँ मैं आज घूमने निकला हूँ। बोलो, मेरी वाइफ मेरे को बिल्कुल तंग नहीं करती घूमने के लिए, बिल्कुल भी नहीं ना। वो तो दिखाओ जो आपको आज मैंने अभी आपको मार के बताया है कि कैसे कैसे बोलना है। हाँ, बस इतना ही मारती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। तो वैसे तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहां हमको जाना है, बस गाड़ी मोड़ते हैं और अगर उसमें हमारी गाड़ी अंदर चली गई, थोड़ा सा लिंक रोड है तो लेके जाएंगे, अदरवाइज यहां से पैदल जाएंगे। वैसे तो जाती है ना, पिछली बार भी हम लेके गए थे गाड़ी और आज रियो को हमने पीछे बैठाया है, या वहाँ पीछे बिठाया है, मतलब उसको फ्रेश एयर लेने दे रहे हैं। उस चक्कर में वैसे तो उसकी फ्रेश एयर आज हो जाती, एक डॉग ऑलमोस्ट उसको अटैक करने आ गया था, क्योंकि वो छोटू सा है, मतलब मोस्टली डॉग उसके खेलने से ज़्यादा अटैक करने लग जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये इस रोड में हमको जाना है आगे। बाय रियो। तो मैं तो गाड़ी से बाहर उतर गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी की भी कुछ क्लिप्स ली जाए प्रिटी प्रिटी रील्स के लिए। और बस अब मैं जा रही हूँ, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, थोड़ा आगे तक जाते सी सनसेट हो रहा है। और ये मेरे पीछे जो है ये मंदिर है, गुफा मंदिर कहते हैं इसे। हम आए हैं शिमला तक, रामपुर वालों को तो पता है ये जगह का नाम, जो भी है, और बहुत प्रिटी जगह है और बहुत ऐसी शांत जगह है। मतलब किसी को आना होगा ना तो आ सकता है, चुपचाप बैठे रहेगा, खाएगा, इंजॉय करेगा। देखो मी टाइम चाहिए। और रियो को देखो आप कहाँ जा रहा है। रियो काम, यहाँ देखो इसको, काम काम काम। अंदर को गुफा है ऊपर। गए हो आप इसमें कभी? हाँ। कब गए हो? मैं तो बहुत पहले गया। मुझे क्यों नहीं लेगे? बहुत पहले यार। मुझसे भी पहले? तो यहाँ पे रियो पानी पी रहा है सी। जो मेरे पीछे ये दिख रही है बिल्डिंग, सी छोटू सी बिल्डिंग, मतलब ये मंदिर है और इसी के साथ पीछे को एक गुफा है, वहाँ पे जाते हैं, उसको गुफा मंदिर उसी वजह से इस जगह को कहते हैं। और अभी हम बस गाड़ी यहीं तक लगाएंगे सी, यहाँ पे हमने पार्क कर दिए, मतलब इसके आगे अब गाड़ी जाएगी नहीं। अब हम बस अपना जो छोटा मोटा खाने का सामान लेके आए वो उठाएंगे और चलेंगे वॉक पे, थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ से और सुंदर व्यू दिखता है। और आप भी मुझे ज्वाइन करें, और मुझे अपने स्टेप्स भी देखने पड़ेंगे, बिकॉज अगर मैं यहाँ से गिर गई, वेट अ सेकेंड, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गिर गई तो मुझे ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले बोल दिया गया है मुझे कि अपने स्टेप्स देख लो, वीडियो के चक्कर में नीचे मत चल जाना। सी, मुझे ना इन चीज़ों को देख के ना गांव की याद आती है, जो ये चीज़ लगी है मेरे गांव में भी बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ जी, जल्दी आऊँ, दौड़ रही हूँ दौड़ रही हूँ। और हम थोड़ी जल्दी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सनसेट भी होने वाला है, और सनसेट तो यहाँ का बहुत सुंदर है, तो सनसेट मिस नहीं करना चाहते। सी प्रिटी फूल्स। एंड इस पेड़ को पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पर ये मेरे गांव में भी होते हैं। नीचे से आना है, ऊपर से आना है। तो ये हमारा रामपुर है, हम इससे हाइट पे आए हैं। तो ये जो ये वाली स्पेस है ये खोपड़ी है, एंड वो वाली जगह ब्रॉ है। हमारा घर दिख रहा है,
आप अपना हमारा घर स्पॉट कर सकते हो? मुझे तो नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है? वो मैंने स्पेक्स नहीं पहनी है, सही नहीं दिख रहा मेरे को। ये काय के पेड़ होते हैं, चील के? और इसके आगे घना जंगल है जहाँ हम जाने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे साथ रियो है, कहीं शेर भालू ना मिल जाए हमें। और इसको आगे जाना है। रियो काम, रियो चल 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 जल्दी चलो। और यहाँ से गिरने का रिस्क नहीं ले सकती मैं, तो पहले फटाफट से जाते हैं वापस और वहीं पे बैठेंगे। पहले हमने सोचा था यहाँ पे बैठेंगे, बट यहाँ पे बैठना रिस्की है, तो वापस ही चल पड़ते हैं। और ये वाला घास है ना बहुत स्लिपरी होता है, ये ना मेरे गाँव के रास्ते के लिए भी बिल्कुल यही घास है जो वहां से है ना। सन किस्ट, शाम को जाके टैनिंग भी वैसी होगी। और मेरे पीछे सी, ये सारा रामपुर है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, बट स्टिल मतलब इतना प्रिटी है ना, मतलब कैमरे में उतना प्रिटी लग नहीं रहा है जितना मतलब आंखों से लगता है। ये ऐसी स्लोप्स, ये सब चीज़ें, मतलब पहाड़ में आने वाले लोगों को पता है कि पहाड़ कितने प्रिटी होते हैं। बाकी यू कैन ऑल्सो इन्जॉय द व्यू विद मी। और यहाँ देखो रियो को इन्जॉय करते हुए अपनी जीभ लटका के। सी, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की है, वहाँ से यहाँ तक हम आए थे। कैमरा में उतना दूर नहीं लग रहा है, पर दूर आए थे। और व्यू तो है ही कमाल। अब बस हम वहीं वापस जाएंगे जहाँ हमने गाड़ी लगा रखी है, और वहाँ पे बैठ के खाएंगे पियेंगे, इन्जॉय करेंगे सम वीडियोस, सम रील्स, सम पिक्चर्स। एंड उसके बाद हम, तब तक मम्मी पापा भी फ्री हो जाएंगे जहाँ वो गए, फिर हम उनको पिक करेंगे और फिर वापस घर की तरफ निकलेंगे। तो हमने ये खोल दिया है, अब हम यहाँ पे इसको अपना पिकनिक स्पॉट बनाएंगे और यहाँ पे बैठ के इंजॉय करेंगे। रियो को बाउल लाना भूल गए, तो इसी तरीके से पानी पिलाएंगे। जोर से ज़्यादा प्यास लग रही है आज तो इसको। लाओ मैं देती हूँ आपके हाथ में पानी। मैं तो चढ़ ही नहीं सकती इसमें, कैसे चढ़ूँ इसमें। तो फाइनली कार की बैक में मैं चढ़ गई हूँ। वो मैं बता नहीं सकती मैं कैसे चढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे को लिटरली धक्का मारा गया गाड़ी पे चढ़ने के लिए। हाँ, मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है यहीं पे लेट रहूँ। धूप लगी है अच्छी अच्छी, मेरे चेहरे पे नहीं लगी है, बाकी पूरी बॉडी पे लग रही है। स्किन ऐसी शाइन कर रही है, और ये उसकी पिटी करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ गया वो? और मैं भूत बन गई हूँ, और मैं इसीलिए जीन्स ही पहनती। जीन्स के डिसएडवांटेजेस यही है कि आप कहीं भी चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते आराम से, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मोस्टली ट्राउज़र इसीलिए प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ट्राउज़र में ईजिली चढ़ सकते हो कहीं पे भी, और कम्फी तो बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं खाने वाली वो है दिस चोको पाए। वैसे तो ये अच्छे होते हैं, बट मीठा भी भर भर के होता है। और यहाँ पर इतनी शांति है ना, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको बर्ड की चर्पिंग की आवाज़ आएगी, बहुत ही मतलब आराम आराम से आ रही है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे सुनाई दे रही है। और मतलब आसपास इतना शांत माहौल है ना, अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप भी है, तो अभी तो आई डोंट थिंक कोई यहाँ पर आएगा। मुझे लगता है शाम को यहाँ पर मोस्टली लोग आते होंगे, है ना। और आप वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ छाया नहीं, धूप नहीं है ना। तो मैं तो लेके आई हूँ नींबू फ्रेश, मिनट मेड नींबू फ्रेश। ये कोक लेके आए थे अपना, कोक आई थिंक पी लिया इन्होंने। पी लिया आपने? वही है थोड़ा बचा, उस साइड देखो दो। तो और हम रैपर साथ ले जा रहे हैं, तो अगर आप कहीं बाहर जाओ तो रैपर साथ लेके जाओ वापस घर। वो मेरी शैडो है, ये बोल रही है।
आई डोंट नो कि मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है कि नहीं. ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया है. अब हम सोच रहे हेलीपैड तक जाके आते हैं, अगर खुला होगा तो. अगर नहीं खुला होगा तो फिर अब हम पापा को पिक करेंगे और वहाँ से निकल लेंगे. बाकी मैं आपको पहले सनसेट दिखाती हूँ. अभी पूरा हुआ नहीं, थोड़ा बहुत रहता है. सन अभी वहाँ थोड़ा सा फंसा हुआ है, बस सेट होने ही वाला है. तो जितने में सेट होगा उतने में हम शायद हेलीपैड के आसपास पहुँच जाएंगे. अब मैं हेलीपैड से दिखाती हूँ आपको सनसेट. तो अभी हम हेलीपैड तक आए हैं. रामपुर विषय में हेलीपैड है, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ रामपुर विषय में हेलीपैड है. तो फिर हम बस वहीं तक जा रहे हैं. वैसे तो यहाँ पे हेली सेवा भी स्टार्ट की गई थी. आई डोंट नो अब है कि नहीं. अब है क्या? आई थिंक अभी भी चलती है. तो हमने गाड़ी वहाँ पीछे पार्क कर दी है और अब हम आगे जाके देखते हैं मे बी यहाँ पे अलाउड है कि नहीं. अभी हमें इस बात की कन्फर्मेशन नहीं है, जस्ट हम ऐसे ही रैंडमली जा रहे हैं. उतना यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है. ऑब्वियसली हेलीपैड है नॉर्मल सा, बट स्टिल मतलब ऐसी जगह है ना पीसफुल होती है जहाँ पे लोग आते नहीं है. अभी हम जहाँ से वापस आए तो हमारे आते वहाँ पे ऑलरेडी और एक ग्रुप आ गया है. तो ये फ्लावर्स है, आई डोंट नो ये क्या है. और सामने बहुत प्यारा लग रहा है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं आपको इतना नज़दीक से दिखाऊँ बहुत ही प्रिटी है. ये है हमारा हेलीपैड का निचला एरिया. हेलीपैड वहाँ ऊपर है, अभी मैं लेके चलती हूँ. पहले आप ये देख लो. और वहाँ मेरे दो साथी जा रहे हैं. देर जो छोटे होते थे ना, तो जो ये है ना दीज राउंड राउंड आई डोंट नो काय के लिए होते हैं. मतलब इसमें भी मैंने घुस के बहुत फोटोज लिए, अभी भी ले सकती हूँ, बट अभी थोड़े सी शर्म आती है ऐसी हरकतें करते हुए. यू नो आई एम मैरिड नाउ तो आई हैव टू बिहेव माई एज. बाकी तो कुछ नहीं है. वो देखो हेलीपैड, दैट वन इज हेलीपैड. बाकी ऊपर ले जाके दिखाती हूँ. ये हेलीपैड है. अंदर जाने के लिए यहाँ पे आज गार्ड नहीं दिख रहा मुझे और लॉक लगाया हुआ है, तो कहाँ से ही जाएंगे. बट यहाँ से देख लो हेलीपैड, तो वैसे भी पता ही होता है कैसे होते हैं. बट यहाँ का इधर उधर का एरिया भी बहुत प्रिटी है. कैसा लगा आपको मेरे साथ बाहर आके, मैंने आपको घुमाया? हाउ डू यू फील? बहुत ही अच्छा. ओहो माय गॉड, पहली बार ऐसा बोला. मैंने घुमाया ना आपको? हाँ जी. मैं ड्राइव करके लाई ना आपको? मेरी ड्राइविंग कैसी है? स्केयरिंग. मैं बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट नो दूसरों को क्या है, स्केयर्ड फील होता है या नहीं होता है, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया. बट मुझे मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है. वैसे मैंने ड्राइव किया कहाँ है, एम्प्टी रोड्स पे. वैसे यार मैंने हाईवे पे भी चलाई है यार, ऐसे मत बोलो. अच्छा नहीं चलाती मैं, सच्ची सच्ची बोलो, बिहाइंड द कैमरा बोलो. ओ देखा देखा मेरी तारीफ सुनी. वैसे लाउड नहीं बोलते जानबूझ के, ताकि इनको मेरी तारीफ ना करनी पड़े. तो अब हम जा रहे हैं हेलीपैड से वापस मम्मी पापा को पिक करने. और मुझे लगता है मैं ये व्लॉग वैसे यहीं एंड कर लूँगी, क्योंकि अब इतना ही था आज के लिए. हम बहुत शॉर्ट ट्रिप पे आए थे आज, छोटी छोटी मेमोरी कलेक्ट करने आते हैं, क्योंकि पूरे वीक घर में रह रह के बोर हो जाते, तो सोचा थोड़ी सी आउटिंग करके आए. और अब हम बस मम्मी पापा को जाएंगे पिक करेंगे और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ. और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.